Indian of the year 2022 award goes to, any guess? Any guesses from the audience? Anyone? Can we hear the name louder, please? Sir. So Indian of the year 2022 for sports goes to none other than Neeraj Chopra. Ladies and gentlemen, put your hands together for the one and only Neeraj Chopra. I also welcome on stage our senior associate editor, Shumani Gupta. Can we have a loud round of applause, ladies and gentlemen, the only Indian athlete to win an Olympic gold medal, the one and only Neeraj Chopra. 121 साल लग गए 121 साल में किसी ने एथलेटिक्स में गोल्ड नहीं जीता था 121 साल के इंतजार वाली तालियां तो बजाओ जरा एंड लेट्स नॉट फॉरगेट नीरज हैज नॉट रेस्टेड ऑन हिज लॉरल्स फ्रॉम ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल 121 साल के बाद जीतने के बाद उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीत के वर्ल्ड एक और इंडियन रिकॉर्ड बनाया है एंड इन्होंने डायमंड लीग टाइटल जीत के भी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एथलीट एवर टू अचीव दैट नीरज द फर्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू इज कि ओलंपिक्स मेडल जीतने के बाद ऐसा लगता है कि आपकी पूरी लाइफ की जो तपस्या है वो पूरी हो गई है लेकिन उस साल के बाद आपने और भी मेडल्स जीते हैं एंड जैसे मैंने बोला वर्ल्ड चैंपियनशिप्स और डायमंड लीग का तो वो मोटिवेशन आपकी डिप नहीं हुई उस लेवल तक कैसे रखा आपने अपने आप को नमस्ते सभी को और थैंक यू इस अवार्ड के लिए तो बिल्कुल मेरे सामने तो बहुत सारे ऐसे एथलीट हैं मैंने काफ़ी एथलीट्स को देखा है कि उनसे सीखने को मिलता है वो ऑलरेडी जीत के फिर भी मेहनत करते रहते हैं फिर जीतते हैं तो टाइटल को दोहराना मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ी बात है और वो अपने आप में मतलब तभी आप एक खिलाड़ी जो एक लेजेंड कहलवाते हैं वहाँ तक आते हैं अब लोग बोल देते हैं तो मैं इतना मानता नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं उस कैटेगरी में अभी तक नहीं आया हूँ तो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ कि अपना एथलेटिक्स का और इंडिया का देश में नाम करूँ आपने मुझे ओलंपिक्स के बाद बोला था कि एक मेडल जीतने से कुछ नहीं होता तीन चार मेडल बार बार जीतोगे तो आप लेजेंड कहलाते हो और फिर दुनिया याद रखेगी अनुराग जी ये जज्बा है नीरज का देखिए तो जीतने वाले को पता चलता है कि मेहनत होती कितनी है और खुशी इस बात की है कि मेडल जीतने के बाद भी पांव जमीन पर टिके हुए हैं और मेडल जीतने की तैयारी किए हुए हैं यही इनकी सबसे बड़ी खासियत है और इसलिए पूरे देश को इनके ऊपर गर्व है आपने क्या गिफ्ट्स खरीदे ओलंपिक्स के बाद आप बोल रहे थे कुछ जूते खरीदने थे आपको वो तो खरीदते तो काफी कुछ है लेकिन डालने का टाइम नहीं मिलता क्योंकि पूरा ट्रेनिंग में ही रहते हैं तो नहीं वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद क्या लिया हाँ बिल्कुल जूते भी कपड़े सब कुछ खरीदते हैं लेकिन तीन चार बार अब आज आया हूँ तो कुछ आज डाल लिया अब ये पैंट है ये भी पिछली बार खरीदी थी यही चल रही है सो दैट इज व्हाई नीरज इज यूनिक बिकॉज I have not seen an athlete जिसने Olympic gold medal athletics में जीता हो फिर भी वो बिल्कुल son of the soil वाली जो बात है जो आप कह रहे हैं ना अनुराग जी तीन चार सफेद कुर्ते पजामे सिलवा लो सब बार एक जैसे ही लगोगे कुर्ते पजामे भी है सर लेकिन वो अभी वेट बढ़ जाता है फिर वो टाइट हो जाते हैं तो ट्रेनिंग चलती है फिर से नहीं एथलीट की लाइफ यही है कि हाँ शॉपिंग वगैरह करना अच्छा लगता है लेकिन टाइम नहीं मिलता वो डालने पूरा अपना ट्रेनिंग में रहते हैं अनुराग जी एक चीज जो नीरज करना चाहते हैं वो है 90 मीटर का मार्क अचीव आप मेरे ख्याल से 0.04 से रह गए थे इस साल 06 हां जी 06 तो उसके लिए आप इनको क्या कहना चाहेंगे क्योंकि वो 90 मीटर का मार्क फॉर एन इंडियन जैवलिन थ्रो एंड फॉर इंडियन एथलीट टू अचीव वुड बी ह्यूमंगस एंड दोज हु अंडरस्टैंड स्पोर्ट्स ओलंपिक्स जैवलिन थ्रो विल नो दैट मेरे कहने से कुछ नहीं होता है जब कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया है तो नीरज चोपड़ा आज एक ऐसा वो नाम बन चुके हैं कि वो लक्ष्य की प्राप्ति भी कर ही लेंगे पूरे भारत को विश्वास है लेकिन इसके लिए कोई दबाव नहीं होना चाहिए और मैं आशा करता हूं देश का मीडिया भी उस तरह का दबाव पैदा ना करे क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दो रिजल्ट क्या आएगा उसकी चिंता मत करो जी।
So let's keep our fingers crossed and let's pray that he's going to achieve that. So along with the 90-meter walk, I think you want to repeat your Olympic gold as well. And that world championship gold is also something? बिल्कुल मतलब अगर हाँ एथलेटिक्स की अगर हम वर्ल्ड में सभी इवेंट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट सभी में मतलब गोल्ड हो चुका है सिल्वर वर्ल्ड चैंपियनशिप में बस तो इसका कोई प्रेशर नहीं है और 90 मीटर का मैं पहले सोचता था कि मुझे मार्क वो अचीव करना है लेकिन अभी मेरा मानना है कि आप कंसिस्टेंट हो और उस सिचुएशन में जहाँ पे बाकी भी एथलीट इतने वर्ल्ड क्लास एथलीट होते हैं और हम वहाँ पे उनके बीच में अगर वहाँ पे गोल्ड जीत लें क्योंकि ऐसे बहुत सारे एथलीट्स हैं जो मुझसे बेस्ट है ऑलरेडी वर्ल्ड में लेकिन उस सिचुएशन में हम कैसे उस प्रेशर को हैंडल करते हैं और कैसे परफॉर्म करते हैं क्योंकि वेदर का हवा का बहुत फर्क पड़ता है हमारे गेम में तो मुझे लगता है कि वो सबसे अच्छी चीज़ है मैं बस अपने आप को कंसिस्टेंट रखना चाहता हूं और 90 मीटर का मार्क भी हो ही जाएगा हो जाता वो भी मैं लाइन से आधा मीटर पीछे था तो अगली बार थोड़ा आगे से फेंक दूंगा थैंक यू प्लीज गिव अ यस चाहे महिला हो या एथलीट हो दिमाग पे गोल्ड ही रहता है Thank you so much. Anurag ji, stay with me. Neeraj, thanks a lot. A big round of applause, please, for our Indian of the Year sports. I don't think it comes anything bigger than this. Many congratulations, Neeraj Chopra. Thank Ladies you. And gentlemen, please give it up for Neeraj Chopra.